नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। कुशेश्वर स्थान में जिस तरह से जदयू लगातार आगे चल रही है, जदयू की प्रत्याशी की कुशेश्वर स्थान में जीत हुई है, तारापुर की भी गिनती जारी है, लेकिन राजद ये आरोप लगा रही है कि कुछ घालमेल हुआ है तभी जीत हुई है जदयू की। राष्ट्रीय जनता दल कौन ऐसे चुनाव में घालमेल का आरोप नहीं लगाई है, ये इतिहास आप बताइए। उनका यह काम ही रह गया है घालमेल का आरोप लगाने का। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का उनका इतिहास रहा है, इस बार भी कर रहे हैं। कौन नई सी बात इसमें है? प्रताप यादव राबी आवास पर गए थे लालू प्रसाद यादव से मिलने और कह रहे हैं कि राजद के ही कुछ नेता हैं जो हराए हैं। शिवानंद तिवारी हो, जगदानंद सिंह हो, सुनील सिंह हो, सब मिलकर राजद को हराए हैं। कुशेश्वर स्थान में हमारे उम्मीदवार को नहीं उतारना चाहिए। ये देखिए, उनका आंतरिक झगड़ा है। उनके आंतरिक झगड़े से मुझे कोई लेना देना नहीं है। कुशेश्वर स्थान की महान जनता ने जदयू प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाया है। हम कुशेश्वर स्थान की जनता को बधाई देते हैं। अमन भूषण हजारी को हम बधाई देते हैं। उनमें भी भारी मतों के अंतर से जीतेंगे, मुझे ऐसा अनुमान है। ऐसा अनुमान है, एकदम बिल्कुल अनुमान है, क्योंकि तारापुर में जो राष्ट्रीय जनता दल का जो उम्मीदवार है वो लगातार नीचे के क्रम में आ रहा है। उनका जो क्रम है वोटों का, वो आगे रहने का जो था, वो अब नीचे की ओर बहुत 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 तेजी से नीचे की ओर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव भी लंबे समय बाद आए, भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर पाए लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अब क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर वोट नहीं मिलेगा? लालू प्रसाद यादव के वोट चेहरे के ऊपर वोट कब मिला? 2005, 2009, 2010, 2020 सभी चुनाव में, भला के 20 में वो नहीं थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने नकार दिया है, नकार चुकी है, कोई फैक्टर नहीं है। देखिए ना, बीमारी की अवस्था में डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए सलाह दिया था, माननीय कोर्ट ने उनको पुत्र मोह में प्रचार में आ गए। इन दोनों सीटों पर जीत हासिल कर विसर्जन की बात कही जा रही थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए ना किस किस विषैले शब्द का प्रयोग कर रहे थे। जनता ने तो उनको सही औकात बता दिया ना, जनता ने उनको सही जगह दिखा दिया ना, जनता ने उनको अपनी जमीन दिखा दी ना, और एक बार नहीं पिछले कई चुनाव से जनता उनको जमीन अपनी दिखा रही है, लेकिन वो है कि मानते नहीं, वो है कि बड़े पुत्र का हक और अधिकार छीन करके छोटे पुत्र को दे रहे हैं, छोटे पुत्र भी बड़े भाई को हक अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ये कैसी पार्टी जो अपना पारिवारिक न्याय भी नहीं कर सकती है? तो तारापुर की बात कर लेते, तारापुर में जीत होगी? बिल्कुल, समय का इंतजार, समय का इंतजार करिए। चलिए, समय का इंतजार रहेगा। कुशेश्वर स्थान में जदयू की जीत हो गई है, तारापुर में ये कह रहे हैं कि समय का इंतजार रहेगा। तो जदयू कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और देख सकते हैं साफ तौर पर जदयू के सभी नेता और सभी प्रवक्ता कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और खुशी का एक माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि कुशेश्वर स्थान इनके प्रत्याशी की जीत हुई है। अब तारापुर में अभी गिनती चल रहा है, तारापुर में राजद के प्रत्याशी हैं, लगातार आगे चल रहे हैं, लेकिन जदयू का दावा है कि तारापुर में भी हम जीत हासिल करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।